हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को NMDC का जो हम लोग अभी जो मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम इसका पार्ट 22 लेके आए हैं, ठीक है। और इस वीडियो में भी मैं आपसे टॉप 10 इंपॉर्टेंट मैकेनिकल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूँगा। और मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो वीडियो का लिंक है वो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन में चलते हैं कि द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट, यानी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर से पूरी बॉडी का वेट जो है वो एक्ट करता है इन रिस्पेक्टिव वर्ड्स पोजिशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ परक्यूशन या सेंटर ऑफ मास। तो होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट करता है वो पॉइंट कहलाता है, क्या कहलाता है, वो COG कहलाता है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। तो यहाँ पे तीन जो क्वांटिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर कौन कौन सी है, फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यानी कि जिसमें डायरेक्शन जिस पर डिपेंड करता हो, मतलब जिस भी यूनिट में अगर आपको डायरेक्शन दिखे, यानी कि फोर्स में भी डायरेक्शन चाहिए, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन चाहिए और एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन चाहिए, पर स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, स्पीड जो है वो सीधा यूनिट में कन्वर्ट होती है, ठीक है, इसीलिए उसको स्पीड को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ अबाउट इट डायगोनल। डायगोनल मतलब क्या है, ये अगर सर्कल है इसको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह को, ये डायगोनल है, ठीक है। तो ये डायगोनल साइड को बताना है क्या होता है, वो a² / 8, a³ / 12, a⁴ / 12 या a⁴ / 16। तो ये होता है a⁴ / 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग एट n रिवॉल्यूशन पर मिनट इज πn/60, πn/180, 2πn/60, 2πn/180। तो एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है रेडियन पर सेकंड में अगर निकालेंगे तो वो होता है आपका 2πn/60, ठीक है, ये 2πn/60, ये एंगुलर एक्सेलरेशन का या एंगुलर वेलोसिटी जिसको बोलते हैं आप उसका फॉर्मूला है, ठीक है। और वेलोसिटी किस में निकालते हैं, रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज 1/m, Vr/m, Vr मतलब वेलोसिटी रेशियो बटे मास, या मास बटे वेलोसिटी रेशियो, या 1/mass × velocity ratio। तो मैक्सिमम इफिशियंसी जो होती है वो किस केस में रहती है, 1/m × Vr, यानी कि mass × velocity ratio, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी ऑफ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, ये जो होता है ये आपका सर्कल होता है, और सेमी सर्कल कुछ इस तरह, आधा सर्कल, ठीक है। तो आपको आधा सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सेमी सर्कल लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पर रहता है, 3r/8, 4r/3π, 8r/3 या 3r/4π। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कल रहता है वो रहता है आपका 4r/3π पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, दिस इज सर्कल, दिस इज सेमी सर्कल, ओके। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल राउंड ए फिक्स्ड एक्सिस। मोशन ऑफ पार्टिकल राउंड ए फिक्स्ड एक्सिस, यानी कि अगर आप एक एक्सिस को फिक्स कर देंगे, यहाँ से अगर आप राउंड करेंगे, मान लीजिए यहाँ से आप राउंड कर दें, ठीक है, ये कुछ इस तरह अगर आप राउंड करेंगे तो क्या बनेगा, ट्रांसलेटरी बनेगा, नहीं बनेगा, रोटरी बनेगा, नहीं बनेगा, क्या बन रहा है, ये बन रहा है सर्कुलर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। बहुत से लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसलेटरी एज वेल एज, यानी कि साथ ही साथ रोटरी, तो डी जो है करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा सर्कुलर, क्योंकि ये सिर्फ सर्कुलर बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स स्टेट्स दैट व्हेन अ फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी इट्स इफेक्ट इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, मिनिमम इफ इट एक्ट एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, या मैक्सिमम इफ इट एक्ट एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, कि कोई फोर्स जो है अगर किसी बॉडी के ऊपर मैं एक्ट कर रहा हो तो उसका इफेक्ट जो है वो मिनिमम होगा इफ़ इट एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर वो सेंटर ऑफ किसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अगर वो फोर्स एक्ट करता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, तो उस समय में जो उसका जो फोर्स जो एक्ट होगा वो फोर्स होगा मिनिमम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको कभी कभी क्या देता है शॉर्ट फॉर्म में SHM, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, इज πω/r, ω2r या स्क्वायर r या ω/r।
तो ये कहलाता है आपका ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये इसका फॉर्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक या कोई छोटी चीज़ दूसरी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ अ बेस, बेस का फॉर्मूला क्या है, बी हाइट मतलब एच अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स बेस। तो बेस के थ्रू में बताना है आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम ओ आई रहता है या एम आई रहेगा, ठीक है। बी एच क्यूब बटे 4, बी एच क्यूब बटे 8, बी एच क्यूब बटे 12 या बी एच क्यूब बटे 36, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका रहता है वो बी एच क्यूब बटे 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप NMDC का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो मैंने नीचे आंसर भी लिख करके दे दिया है, ताकि आपको बाद में फ्यूचर में अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप फिर से PDF देख के रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो NMDC के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही हम मैकेनिकल के बहुत सारे वीडियोज़ लेकर के आए हुए हैं, ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, आप जाके प्लेलिस्ट पर जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।